बच्चों, सभी लोगों को अपनी आय का एक हिस्सा सरकार को टैक्स यानी कि कर के रूप में देना होता है। ये कर उत्पादन कर, विक्रय कर, जीएसटी या सेवा कर जैसे करों के रूप में हो सकते हैं। कर को और अधिक समझने के लिए आइए देखते हैं कर के प्रकार। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों को भी दो भागों में बांटा गया है, आयकर और निगम कर। तो आइए देखते हैं आयकर क्या होता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सभी व्यक्तियों को सीधे तौर पर सरकार को देना पड़ता है। इसलिए आयकर वेतनभोगी कर्मचारी अपने वेतन में से सीधे सरकार को भुगतान करते हैं। यही नहीं, सभी व्यक्तियों की अन्य कहीं भी किसी भी प्रकार की जो आय होती है उस पर उन्हें सरकार को कर देना होता है। यही कर जब उद्योगपति या व्यापारी देते हैं तो वह निगम कर यानी कि कॉरपोरेट टैक्स कहलाता है। बच्चों, आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। बच्चों, जब आप कोई सामान खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस सामान के डिब्बे पर MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ होता है, लेकिन साथ ही सभी करों सहित यह शब्द भी लिखा होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप जिस वस्तु को खरीद रहे हैं उसके मूल्य में कर की राशि जुड़ी हुई है, यानी कि आप अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर दे रहे हैं। तो जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पर आप कर देते हैं। यही है अप्रत्यक्ष कर।